हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लौरा पर। मेरे चैनल का उद्देश्य स्वास्थ्य, चिकित्सा और रहन सहन के बारे में पूरी जानकारी देने पर आधारित है। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, हीलिंग एंड लिविंग। मेरा आज का टॉपिक आधारित है कुछ ऐसे यूजफुल किचन ऑर्गेनाइजर्स आइटम्स के ऊपर जो आपको मदद करेगा एक किचन को व्यवस्थित रखने में और साफ सुथरा दिखने में। किचन घर की एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां सभी सदस्यों की जरूरतों और इच्छाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब बात हो छोटी रसोई की तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम स्पेस की वजह से रसोई बिखरी बिखरी ज़्यादा लगती है। किचन छोटा होने से ये बात सोचकर परेशान ना हो कि उसे कैसे साफ सुथरा रखे या फिर उसे कैसे सजाए, इसके लिए मैं आपको बेहतर आइडिया दूंगी और बताऊंगी कि किचन को कैसे अरेंज करके रखे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। आइटम्स के बारे में जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहूँगी स्मॉल किचन अरेंज करने के कुछ शुरुआती टिप्स। टिप्स नंबर 1, किचन को साफ सुथरा रखने के लिए घर में जितने मेंबर हो उन्हीं के हिसाब से लिमिटेड बर्तन बाहर रखें। बाकी बर्तन कहीं पैक करके रख दें और केवल मेहमानों के आने व ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें निकालें। टिप नंबर 2, फर्श पर बर्तन रखने से जगह ज़्यादा घिरती है और वे फैले हुए लगते हैं। आप बर्तनों को दीवार पर लटका सकते हैं, इसके लिए एस शेप के हुक्स का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 3, किचन की दीवारों का भरपूर इस्तेमाल करें। यदि दीवार में अलमारी या स्लैब बनी हो तो उसमें बर्तन व अन्य राशन के सामान को व्यवस्थित रखें। टिप नंबर 4, सभी सामान की एक जगह निश्चित कर दें। घर के सदस्यों को बता दें कि किस सामान की कौन सी जगह आपने निर्धारित की है। सभी से सामान के इस्तेमाल के बाद उसे वापस वहीं रखने के लिए कहें, इससे किचन व्यवस्थित दिखेगा। टिप नंबर 5, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखें और क्रम अनुसार रखें, जैसे कि क्रॉकरी और बड़े बर्तनों को एक जगह पर रखें, इसी तरह से अपने कटलरी सेक्शन को अलग रखें। आइए अब जानते हैं 5 बहुत यूजफुल ऑर्गेनाइजर्स आइटम्स के बारे में। आज का पहला आइटम है एडजस्टेबल फ्राइंग पैन डिश रैक होल्डर। ये पैन होल्डर रैक पैन, लिड्स, पॉट्स और कुकिंग बर्तनों को काउंटर टॉप स्पेस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए बनाया गया है। आप फ्राइंग पैन के आकार के अनुसार रैक को अरेंज कर सकते हैं। इस रैक का उपयोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से भी किया जा सकता है। आप बर्तन के साइज अनुसार रैक के शेल्फ डिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं। ये सभी आकार के पैन या ढक्कन फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेटल रैक की कॉस्ट आपको 700 से 900 रुपये के अंदर तक पड़ेगा और प्लास्टिक रैक की कीमत आपको 500 से 700 के अंदर तक पड़ेगा। अपने बजट अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। दोनों ही मजबूत है और आराम से यूज़ किया जा सकता है। आज का दूसरा आइटम है 4 या 3 टीयर वाले शेल्फ, जो कि आसानी से रसोई में अरेंज किया जा सकता है, जिसमें आसानी से पहुंच के भीतर उपयोग किए जाने वाले सामानों को रखा जा सकता है। सारे दाल और मसालों को आप साइज अनुसार जार्स में करके रख सकते हैं। ये काफ़ी स्पेस सेविंग और मल्टीपर्पज़ रैक है।
इसको इनफैक्ट आप किचन, बाथरूम, बेडरूम कहीं पर भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है ये व्हील्स के साथ बना हुआ है, जिससे पुल और पुश करना बहुत आसान हो जाता है और हम इसे कहीं पर भी लेकर रख सकते हैं। चार लेयर्स वाले स्टोरेज रैक की कीमत 1100 से 1300 रुपए तक की है और तीन लेयर्स वाले स्टोरेज रैक की कीमत 900 से 1100 तक की है। मेरा थर्ड आइटम है मल्टी फंक्शनल कटलरी स्टोरेज होल्डर स्टैंड। ये स्टैंड काफ़ी यूजफुल है, कांटे, चम्मच, चाकू, नैपकिन, गैस लाइटर, कैंची, बड़े सर्विस स्पून और भी किचन रिलेटेड छोटे आइटम्स जैसे कि बॉटल ओपनर, ग्रेटर और कटलरी रखने में। तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो किचन में ज़रूरत पड़ती रहती है हम इस मल्टीपर्पज़ कटलरी स्टोरेज होल्डर स्टैंड में आराम से रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस सेविंग आइटम है और बहुत यूज़फुल है। इसकी ऑनलाइन कीमत 200 से 300 रुपए तक की है। मेरा फोर्थ आइटम है प्लास्टिक फोल्डेबल स्टोरेज ऑर्गेनाइजर रैक। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार नंबर ऑफ रैक्स खरीद सकते हैं। ये सिंगल पीस में उपलब्ध है तथा एक के ऊपर एक आराम से फिट हो जाती है। यूज़ ना किए जाने पर आप इसे फोल्ड करके कहीं पर भी आराम से रख सकते हैं। ये बहुत रंगों में अवेलेबल है। आप इस पर कुकिंग ऑयल्स बॉटल्स, रेगुलर यूज़ होने वाले कप्स, चीनी, चाय पत्ती, नमक के बॉटल्स रख सकते हैं। इसकी ऑनलाइन कीमत 250 से 300 रुपये पर पीस में उपलब्ध है। आज का फिफ्थ और लास्ट आइटम बहुत ही यूज़फुल आइटम है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। है तो ये छोटा आइटम लेकिन बड़े कमाल का है और मेन चीज़ को आराम से रखने में मदद करता है। ये है चकला बेलन स्टैंड फॉर किचन। आप इस स्टैंड को आराम से दीवार पर फिट कर सकते हैं और इसमें चकला बेलन को रख सकते हैं। स्लैब में रखने से जगह वेस्ट हो जाती है या गैस बर्नर के नीचे रखने से चकला बेलन हीट से कुछ टाइम के बाद क्रैक आ जाती है। ये स्टैंड स्पेस सेविंग तथा स्ट्रॉन्ग है और बहुत यूज़फुल भी है। इसकी ऑनलाइन कॉस्ट 150 से 200 रुपीज़ तक की है। आपको इनमें से जो भी आइटम अपने किचन के लिए उपयोगी लगे आप उन्हें खरीद सकते हैं। आजकल ये आइटम्स लोकल मार्केट में भी उपलब्ध है, तो जहाँ से आपको सस्ता मिले आप वहीं से खरीद सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं इन सब आइटम्स के ऑनलाइन परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ऑनलाइन खरीदने में इच्छुक हो तो आप खरीद सकते हैं। आखिर में एक छोटा ऑनलाइन परचेजिंग टिप देना चाहूँगी। अगर रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं है तो चीज़ों को सेल के दौरान खरीदिए ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके, और अमेज़ॉन तथा फ्लिपकार्ट के टुडेज डील ऑफर को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए कोई भी आइटम को खरीदने से पहले। बहुत बार सेम सिमिलर आइटम काफ़ी अच्छे डील प्राइस में लिस्टेड होती है। आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। आप मेरे चैनल पर वास्तु फेंगशुई टिप्स के बारे में जान सकते हैं
तथा मेडिटेशन, हीलिंग म्यूजिक और होम डेकोर से जुड़े टिप्स के बारे में भी जान सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।